हेलो स्टूडेंट्स, एस पी कैडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास एलपेज सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम आज गै की वारखड़ी सीखेंगे। जो गै वाले ना व्यंजन गै गै व्यंजन है उसकी हम वारखड़ी सीखेंगे। वारखड़ी आपको पता है स्वरों से बनती है। स्वर कौन कौन से हैं? मात्रा होती है, मात्रा व्यंजन पे लगती है तो वारखड़ी लिखी जाती है। कै और खै की आपको वारखड़ी पीछे वीडियो में करवा दी है। आज हम गै की वारखड़ी सीखेंगे। देखो गै गै है गै, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखो गै गै के साथ आ की मात्रा जुड़ेगी। आ की मात्रा कौन सी होती है? देखो ये वाली, तो ये बन जाएगा गा। क्या बनेगा? गा। गै गै के ऊपर मात्रा लगेगी छोटी की। अब छोटी की मात्रा किस साइड से होती है? बाई ओर से। तो ये क्या बन गया? दी। क्या बन गया? दी। गै पर बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा होती है दाएं ओर से, तो क्या बन गया? गी। क्या बन गया? गी। गै पर छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगती है व्यंजन के नीचे। कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। तो ये लिखा जाएगा गु। अब गै पर बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा होती है लंबी पूंछ वाली, ये हो गया गु। इसको कैसे बोलेंगे? गू। अब देखो गै गा गी गी गू। इसको लंबी खींचनी है मात्रा को। अब देखो गै के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी, तो एक मात्रा के ऊपर, तो क्या बनेगा? गे। गै के ऊपर आई की मात्रा लगी, तो आई की मात्रा दो मात्राएं होती है गई। क्या बन गया? गई। गै पर ओ की मात्रा लगी, तो गो। क्या बन गया? गो। गै पर औ की मात्रा लगेगी, तो गऊ। गै पर औ की मात्रा लगेगी, तो गऊ। गै पर अं की मात्रा लगेगी, तो गऊ। ये ऊपर लगती है गऊ। गै पर ऐसे की मात्रा लगेगी, तो गै। ये है गै की वारखड़ी। ये देखो गै के ए की मात्रा लगेगी, तो गे गई गो गऊ गंग और गै। अब आपने अपनी कॉपी में कैसे लिखना है? ऐसे लिखोगे गै गा गी गी गु गु। ये छह आपने आधे पेज पे लिखने हैं। ये देखो
जैसे अंग की मात्रा गंग, जैसे
अगले पीछे हम लोग दो बार बोलेंगे पढ़ना भी है। बोल बोल के लिखोगे तो गलती नहीं आएगी और साफ सुंदर हैंडराइटिंग में आपने इसको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।